Hello friends, my name is Raul Kumar and welcome again to my YouTube channel. In this video, we are going to start the 8th, 9th part of the real numbers. ठीक है, तो हम लोग 9th part को start कर रहे हैं. 8th part में हम लोग ने exercise 1D के question number 14 तक को discuss कर लिया था. ठीक है, तो आज से हम लोग question number 15 से start कर रहे हैं. ये भी उसी जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एकदम पैटर्न चेंज करेगा. ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, लैंग्वेज सेम रहेगा, बस आगे का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होने वाला है. बाकी सब आप पिछले जैसे ही पैटर्न से आप बना सकते हैं. ठीक है, बस आगे में क्या चेंज है, मैं उसी के लिए इस क्वेश्चन को स्पेशली बना रहा हूँ. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मेरे पास क्या है, प्रूफ दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल. मतलब हम लोग को प्रूव करना है रूट 3 प्लस रूट 5 क्या है, इरेशनल है. ठीक है, गिवेन दैट ईच वन ऑफ, मतलब क्या दिया गया है, रूट 3 और रूट 5 दोनों के लिए क्या बोला गया है कि ये मेरा इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे कि जो भी मेरा गिवन नंबर रहता था, ठीक है, उसको हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते थे. तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट क्या रूट 3 प्लस रूट 5 भी रेशनल. ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम कर चुके हैं, इसको रेशनल एज्यूम कर चुके हैं. जब ये मेरा रेशनल हो गया, इसका मतलब क्या कि ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 क्या आ जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, अब आगे मैंने क्या बताया था कि रूट वाले टर्म को एक साथ रखिएगा. ठीक है, मतलब एक साइड रखिएगा, बट यहाँ पे दो दो रूट आ रहा है. इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसेंगे. तो इसमें क्या उपाय है कि मतलब मुझे एक ही रूट का वैल्यू चाहिए, बस एक ही रूट वाला टर्म चाहिए, बाकी को आपको कुछ भी करके रूट हटाना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, एक टर्म को इधर ही रहने दीजिए. आप इधर रूट 3 को भी रख सकते हैं या फिर रूट 5 को भी रख सकते हैं, और एक टर्म को उधर फेंक दीजिए. ठीक है, तो बस कुछ मत कीजिए. मैं क्या कर रहा हूँ, आप उसको भी उधर कर सकते हैं, इसको भी उधर कर सकते हैं, आपको सिंगल रूट वाले से मतलब है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 3 वाले या रूट 5 जिसको भी आपका मन उसको कीजिएगा, मैं रूट 5 वाले टर्म को उधर कर रहा हूँ. ठीक है, आप रूट 3 वाले को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 3 इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, पी बाई क्यू माइनस रूट 5. ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को पता है ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ गया, बट यहाँ पे भी मेरा क्या है, दोनों तरफ क्या है, रूट में है. ठीक है, तो रूट हटाना, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे. आइए, स्क्वायर करने के बाद क्या होता है ये हम लोग देखते हैं. ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो स्क्वायर कर लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर कर लीजिए, और ये मेरा क्या आ जाएगा, p बाई क्यू माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा. यहाँ पे इस पूरे टर्म को क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, और इस पूरे टर्म को b मान लीजिए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लीजिए. यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 2 रूट 5 पी वाई क्यू. ठीक है, चलिए यहाँ से अब क्या कीजिए, मेरे पास यहाँ पे देखिए ये सिंगल रूट वाला टर्म आ गया, और मुझे यही चाहिए था, इसको एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए. ठीक है, और ये माइनस में नहीं आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मैं इस टर्म को उठाकर इधर कर देता हूँ, और इस टर्म को उठाकर उधर कर देता हूँ, तो मेरा काम आसान बन जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा. तो बस कुछ ऐसा कर दीजिए, रूट 5 पी बाई क्यू इक्वल टू, यहाँ क्या है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3. 5 माइनस 3 हो गया, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 2 लिख दूं क्या, तो कोई दिक्कत क्या, तो बस ऐसा कर दीजिए. ठीक है, अब कुछ मत कीजिए, अब बाकी टर्म को उधर फेंकना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, 2 रूट 5 पी वाई क्यू इक्वल टू, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा क्यू स्क्वायर
और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर कट करना चाहें तो ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, हमको मतलब किससे रूट वाले टर्म को एक साइड रखना है, तो बस कुछ मत कीजिए, 2√5 को ऐसे ही रहने दीजिए, पी स्क्वायर प्लस 2q² डिवाइडेड बाई इस पी को नीचे ले आइए। ठीक है, अब बस रूट वाले से मतलब है, तो रूट फाइव को ऐसा कर दीजिए पी स्क्वायर प्लस 2q² / 2p। ठीक है, अब मैंने क्या माना था यहाँ, ये मेरा क्या है, रेशनल है। जब रेशनल है तो रेशनल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। ठीक है, और फाइव भी क्या है, मेरा रेशनल है, बस इससे मतलब था। तो ठीक है, अगर ये सब पी और क्यू रेशनल था तो पी और क्यू में जो भी ऑपरेशन होगा, ठीक है, सब क्या होगा, मेरा रेशनल ही आएगा। तो इधर साइड मेरा क्या आएगा, रेशनल आएगा, बट इधर साइड क्या आ रहा, इरेशनल आएगा। अब लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना आता होगा, क्योंकि आप 5 से क्वेश्चन नंबर 14 तक लैंग्वेज ही लिख चुके हो, तो बस आपको उसी लैंग्वेज में इसको ढाल देना है। एक साइड ये रूट वाला टर्म आ गया, और बाकी आपको पता है, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ये ऐसा करके, इट इज गिवन दैट ऐसा करके, जो भी मैंने लिखाया था 5 से 14 तक में उस लैंग्वेज को, अब यहाँ से आपको कहाँ से बता रहा हूँ मैं, ऐसा वाला से, सिंस पी वाई क्यू इज रेशनल, ठीक है, रेशनल, हेंस क्या ये वाला लिख दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस 2q² डिवाइडेड बाई 2p इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, हेंस रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, ऐसा करके मैंने जो स्टेटमेंट लिखाया था नीचे में, ठीक है, उससे आप फटाफट उस स्टेटमेंट को यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, और लास्ट में आपको लिखना है हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं, इसमें बस एग्जांपल आपको बताना है, क्या फर्स्ट क्या दे रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल, मतलब दो इरेशनल को आपको ऐसा चूज करना है जिसका सम क्या हो, रेशनल आ जाए। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है, सबसे पहला ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, मेरे पास क्या लेना है, दो रेशनल नंबर्स का एग्जांपल लेना है, ये मेरे पास एक इरेशनल है। दूसरा अगर मैं लेना चाहूँ तो ये मेरा दूसरा इरेशनल हो गया। ठीक है, ऐसा ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, बस ये दोनों क्या कीजिएगा, सेम रखिएगा, और माइनस एक प्लस, ताकि एड करने पे दोनों रूट वाला टर्म कट जाए और मेरा रेशनल नंबर में आ जाए। ठीक है, क्या करना है, सम लेना है, तो बस ऐड कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, और 2 + 2 = 4। 4 क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, ऐसा ले सकते हैं। अगर मान लिया जाए आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 + √5 और फर्स्ट ये हो गया, और यहाँ पे 3 - √5। ठीक है, इसको अगर चेंज कीजिएगा तब आप फंस जाइएगा, वो मेरा रूट में नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इस कारण इसको सेम रखिएगा, ताकि एक मेरा रूट वाला टर्म खत्म हो जाए और बस 3 + 2 कितना हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा था एग्जांपल। अब हम लोग, ये फर्स्ट का एग्जांपल था, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल्स, मतलब दो इरेशनल्स का एग्जांपल लेना है, हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। आप इसी को लेकर के देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। जैसे ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए ऐसा, और इसको ऐसा। ठीक है, मान लिया जाए 2 को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन, रूट 5 को b मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी रूट, ये 2 आ गया, मतलब a मान चुके हैं, माइनस साइन है, रूट 5 को b मान चुके हैं, तो ऐसा, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मूले पे आ रहा है। और इसका फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है तो आज से इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे 10th में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको आता ही रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो बस इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए क्या है इस कंडीशन में, मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी क्या है, रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये माइनस वन क्या होता है, मेरा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव कर, क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं, तो 17 में लगभग आपके पास 6 पार्ट है जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बता रहा है, देखिए ये आपको यही बुक लेनी है, एकदम लेटेस्ट पब्लिकेशन की है। ठीक है, चलिए, और जो भी आप ले सकते हैं, क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है, बाकी अगर आपके पास किसी भी
ईयर की बुक है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रहता है, कॉन्सेप्ट भी वही रहता है, ऐसा थोड़ा है कि पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें क्या करता है, क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूरा खराब कर देता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पूछ रहा है द सम ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ये मेरा रेशनल है और ये भी मेरा रेशनल है, टू रेशनल नंबर का सम क्या होगा, हमेशा मेरे पास रेशनल ही आएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। अब हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, सेकेंड क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये भी मेरा क्या है, ट्रू है। ट्रू कैसे है, एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो आपका ये रेशनल ही आएगा। ठीक है, इधर रेशनल रेशनल रहेगा तो इधर भी मेरा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या है, इरेशनल है। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो यहाँ पे ऐसा, अगर ये मेरा क्या है, इरेशनल है, तो ये हमेशा मेरा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये अलग इरेशनल है और ये अलग इरेशनल है, तो ये मेरा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि इरेशनल का सम ले तो वो मेरा क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। जैसे यहाँ पे ऐसा ले लीजिए, एक रेशनल ये हो गया और दूसरा रेशनल क्या हो गया, ये एक रेशनल ये हो गया। ठीक है, ऐड कीजिए तो ये कट जाएगा और ये मेरा फोर आ जाएगा। फोर क्या है, मेरा रेशनल है, तो इसलिए इसमें फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फोर्थ का देख ले रहे हैं हम लोग, फोर्थ का देख रहे हैं, तो फोर्थ क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा क्या, इरेशनल का इरेशनल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 × √5 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि रेशनल है, तो ये भी मेरा क्या आ गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्या है, हाँ, द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये एकदम सही है, किसी भी रेशनल और इरेशनल का सम, ये मेरा क्या है, इरेशनल है और ये इरेशनल है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा, ये एकदम कटु सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सही है ये भी, यहाँ पे मान लिया जाए ये एक मेरा रेशनल है और यहाँ पे एक रेशनल और एक क्या लेना है, इरेशनल, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा मेरे पास इरेशनल ही आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और आपका रियल नंबर खत्म हो गया है। एक्सरसाइज 1E और 1F और MCQ जो भी है वो बनाना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पहले क्वेश्चन आप बना चुके हो उसी का कुछ इधर उधर करके टेस्ट टाइप का आपका लिया गया है, तो वो आपको टीचर कोई भी नहीं बताएंगे, अगर बताते हैं तो अच्छी बात है, बट वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो अगर और आगे के वीडियोस देखने हैं तो 4 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आपको देख लीजिए किस चैप्टर से पढ़ना है। ठीक है, अब आप जिस चैप्टर को उठाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टॉपिक वाइज लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे होम पे जाइए, होम सेक्शन पे यूट्यूब चैनल के मेरे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के होम सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।